Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. So, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी UGC NET की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी and considering कि मई में एग्जाम होने वाला था, आपने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ लगाने हैं, कितने लगाने हैं एंड कैसे लगाने हैं. तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं. दैट मींस आपको कहां से लगाने हैं, व्हाट इज द प्लेस जहां पे आपको ये पास्ट ईयर पेपर्स मिल सकते हैं, कितने सालों के लगाने हैं एंड फाइनली हाउ डू यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन तीनों सवाल के बारे में जल्दी से बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने साल के पास्ट ईयर पेपर्स लगाने हैं. नाउ जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको मल्टीपल चीजें बताई जाएंगी, अलग अलग चीजें बताई जाएंगी जिसकी वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा. तो आई ट्राई टू टेल यू द आंसर इन अ लॉजिकल वे. सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जून 2019 के अंदर पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, मेजोरिटी पेपर वन एंड पेपर टू का सिलेबस चेंज हुआ था. फॉर इंस्टेंस पेपर वन में पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते थे जो कि अब नहीं आते, इट हैज बीन एलिमिनेटेड. द सेकेंड सेगमेंट इज कि पेपर वन के अंदर ही मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आते थे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तो आते थे, बट स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आते थे. अब वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन, इवन सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं. सो दिस इज द चेंज इन द सिलेबस. सिमिलरली अगर मैं पेपर टू कॉमर्स के बारे में बात करूं तो वहां पे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है जहां पे लॉस प्रोवाइड किए गए हैं. सो दिस इज अ न्यू एडिशन इन द सिलेबस. साइमल्टेनियसली टैक्सेशन सेक्शन के अंदर जीएसटी का टॉपिक है जो कि ऐड किया गया है. तो आप आइडियली समझ सकते हैं कि पेपर वन एंड पेपर टू के अंदर सिलेबस में चेंज जून 2019 से आया है एंड आई एक्सपेक्ट कि सिमिलर चेंजेस बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हुए होंगे, वेदर इट बी पेपर टू और वेरियस अदर सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर टू. तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जून 2019, दिसंबर 2019 एंड जून 2020 ये तीन साल के या तीन अटेम्प्ट्स के पास्ट ईयर पेपर्स आपको 100% लगाने ही लगाने हैं. अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, आपने ठीक से उस सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले ली है, तो आप उसके पुराने साल के भी पेपर्स लगा सकते हैं बट विद अ फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि इन पास्ट ईयर्स पेपर्स को कैसे लगाना है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स करते गए हैं कि उनको हड़बड़ी होती है, उनको जल्दबाजी होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लगा लें एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे मेक अ मिस्टेक. तो मैं आपको बहुत साइंटिफिक तरीका बताता हूं कि आपको किस तरीके से पास्ट ईयर्स पेपर को सॉल्व करना है. सो लेट अस से कि आपने जून 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाया जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं. नाउ ऐसा होगा कि हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस के अंदर आपको 60 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चंस आते होंगे, बट ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं जहां पे हर क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हमें 400 क्वेश्चंस या फिर 400 कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर सकता है. तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो 400 कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए. आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चंस लगा लूं एंड जल्दी जल्दी इनके आंसर्स देख लूं. आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 400 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लें. अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे तो उसको खुद से पढ़ें जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे डाउट भी है तो भी आप उसमें 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लें एंड तभी आप नेक्स्ट पेपर के ऊपर जाएं. अगर आप ये साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं तभी आप उस पेपर को थॉरली लगा रहे हैं या फिर एनालाइज करके लगा रहे हैं, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन लगाने से आपको एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. बिकॉज हो सकता है कि आपने 100 क्वेश्चंस लगा लिए वो क्वेश्चन रिपीट ही ना हो, बट ये जो 400 कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले ये जरूर रिपीट होंगे बिकॉज द सिलेबस रिमेंस द सेम. तो आई थिंक यहां से आपको आइडिया लग गया कि आपको पास्ट ईयर पेपर लगाने कैसे हैं. अब जो थर्ड क्वेश्चन है कि कहां से लगाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है anujjindal.in उस पर आप जा सकते हैं. वहां पे यूजीसी नेट के कॉलम में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स के पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. उस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है. साइमल्टेनियसली अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर बुक फॉर पेपर वन एज वेल एज पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जहां पे स्पेसिफिकली जून 2019, दिसंबर 2019 एंड जून 2020 के जितने भी पेपर्स हैं जो कि पेपर टू कॉमर्स में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के पेपर्स हो गए एंड पेपर वन में जितने हमें अलग अलग सेगमेंट्स में जो पेपर हुए, अलग अलग टाइम पीरियड पे जो पेपर्स हुए, दैट इज फर्स्ट हाफ में हुए, सेकंड हाफ में हुए, तो जितने भी पेपर्स हमें मिल पाए वो हमने सारे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए. तो उस बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. द लिंक ऑफ द बुक इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन.
तो आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाना है बल्कि साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 100 क्वेश्चन के अंदर 400 कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इतने कॉन्सेप्ट अच्छे से एनालाइज करके समझ के आगे बढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप चैलेंज फेस करेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।